हमारे पाकिस्तान का एक रिवाज है माइनॉरिटीज़ के साथ ये होना, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत फ़ख्र समझा जाता है इस चीज़ को कि अगर माइनॉरिटीज़ का कत्ल किया जाए, माइनॉरिटीज़ मारी जाएं, तो ये उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारी बहुत से जो हैं मुसलमान बहन भाई और बहुत से जो हैं वो लोग बड़े खुश होंगे इस चीज़ पर कि अच्छा है काफिर है मार दिया, सो वॉट, इंसान थोड़ी था वो तो बस काफिर था। एक बात आपने हमेशा नोटिस की होगी, पाकिस्तान का भले कोई भी बंदा हो, चाहे वहाँ के आम आवाम हो, चाहे वहाँ के पॉलिटिशियन हो, चाहे वहाँ के पत्रकार हो, वो हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान जो भारत में रहते हैं माइनॉरिटी है, हिंदू मेजोरिटी के अंदर है, तो माइनॉरिटी खतरे में है, उनको जिया नहीं जा रहा, उनको सांस लेने नहीं जा रही, उनके हिजाब उतारे जा रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं है, उनको धर्म की आज़ादी नहीं है, इस तरीके की काफ़ी बातें करते हैं, मतलब झूठा मूठा प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, जबकि इनकी बातों में ना तो कोई सिर होता है ना कोई होता है। लेकिन यही जब रियलिटी के अंदर जो ये भारत पे आरोप लगाते हैं वो अगर सच इनके पाकिस्तान में होता है तो इनकी हो जाती है आंखें बंद। अभी ताजा दो सिक्कों की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी काफी सिक्कों की हत्या हो चुकी है। तो इस पे पाकिस्तान की एक पत्रकार रिबाना इमरान जी, तो वो पब्लिक रिव्यू लेने गई है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ है या नहीं है, तो वहां पे मिल गई इनको एक मोहतरमा और उस मोहतरमा ने जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई बता नहीं सकता, आपको वीडियो देखने में मजा आ जाएगा। मतलब कोई तो ऐसा मिला पाकिस्तान में जिसमें सच बोलने की हिम्मत है। तो आप लोगों की धड़कने नहीं बढ़ाता हूं मैं ज्यादा, तो बिना देर के इस वीडियो को करते हैं शुरू और ये रिएक्शन वीडियो है। पाकिस्तान का एक रिवाज है माइनॉरिटीज के साथ ये होना, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत फख्र समझा जाता है इस चीज को कि अगर माइनॉरिटीज़ का कत्ल किया जाए, माइनॉरिटीज़ मारी जाएं, तो ये उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हमारी बहुत से जो हैं मुसलमान बहन भाई और बहुत से जो हैं वो लोग बड़े खुश होंगे इस चीज़ पे कि अच्छा है काफिर है मार दिया, सो वॉट, इंसान थोड़ी था वो तो बस काफिर था। इतना करारा सच बोलने की हिम्मत किसी ने तो दिखाई पाकिस्तान के अंदर? कोई पाकिस्तानी तो जागा कि जो ये खड़ा होके बोल सके कि हाँ यहाँ पे माइनॉरिटी मरती है तो मुसलमान लोग खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। मैम है तो वैसे बहुत ज़्यादा अफसोस कुन बात कि जिस तरह दो सिख थे वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 20,000 की आबादी है और मतलब सिख कम्युनिटी के साथ ये किया गया और ये सिर्फ एक बार नहीं है बल्कि पिछले 8 महीनों में ये दूसरी बार वाक़या पेश आया है। क्या कहें आप, ये सिर्फ सिख कम्युनिटी का काउंट कर रहे हो, आपको भी पता है क्रिश्चियंस के साथ कितना कितना होता है, इतना होता है कि वो तो एक डेली बेसिस पे रूटीन बन गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ सेफ हैं ही नहीं, कोई भी हो, सिर्फ माइनॉरिटीज़ क्या, अहमदी वहाबी कोई सेफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक 6 साल की बच्ची सेफ नहीं है तो आप किसी बड़े की क्या गारंटी ले रहे हो। ठीक है, वो तो फिर बड़े थे सिख जो थे देवर एडल्ट्स जिनका कत्ल हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि बस एक रिवाज है, ये चलता जाएगा, ये ऐसा हो रहा है और होता ही रहेगा। मैं तो बहुत हैरान और परेशान हो रहा हूँ, मैं तो शौक हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी है कि जो इतनी बेबाकी से अपनी बात रख सके। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई पाकिस्तानी मेरे को आवाम के अंदर तो कोई ऐसा नहीं मिला कि जो इतनी कड़वी सच्चाई को एकदम से उगोल दे, क्योंकि जितने भी ये लोग है ये हमेशा झूठ का पर्दा डालने की कोशिश करते रहते हैं। पहले बात तो ये है ही जाहिल, इन लोगों में अकल ही नहीं है, और दूसरी जो थोड़े अकल वाले होते हैं वो पर्दा डाल देते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रही है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को उनको हक नहीं दिया जा रहा, एक हक नहीं है माइनॉरिटीज़ को, एक हक नहीं। ठीक है, कौन सी माइनॉरिटी से ताल्लुक रख, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रख। आप समझ में आया ये क्यों इतनी परेशान है? मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मुस्लिम है सिख है ईसाई है, लेकिन अब पता चल गया कि इसमें इतनी हिम्मत क्यों है, क्योंकि ये क्रिश्चियन है। मुस्लिम होती तो ये भी वही पर्दा डालने की कोशिश करते। आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सिख को राइट दिए जाते हैं या उनको जॉब्स दी जाती हैं या उनको एजुकेशन अच्छी दी जाती है, आप ऐसा समझते? ये सब जो हमने अर्न किया ना वो हमारी अपनी मेहनत है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे ना दैट मस्ट बी आर हार्ड अर्न जो है ना वो पैसा होगा हमारा हार्ड अर्न। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आप अगर एक मुस्लिम बैठा होगा ना वो कोशिश करेगा कि मुसलमान को बिठाया जाए, क्योंकि हम क्रिश्चियंस जो है ना हमें तो कंसिडर ये किया जाता है कि हम चूड़े हैं। ठीक है, हम तो बिल्कुल ही चूड़े हैं, हम गटर साफ़ कर सकते हैं, हम आपके घर के वॉशरूम साफ़ कर सकते हैं, हम किसी अच्छी पोस्ट पे क्यों बैठे हों, चाहे हमने MPhil क्यों ना किया हो, चाहे हमने PhD क्यों ना की हो, वो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ इतना मैटर करेगा कि हम क्रिश्चियन हैं। ठीक है, और उसके बेस पे हमें जो है ना वो इग्नोर भी किया जाएगा, उसके बेस पे हमें कभी मुँह भी नहीं लगाया जाएगा और हम फिर इस चीज के ऊपर चुप करके बैठ जाते हैं कि भाई कोई पता नहीं होता कि किस सेकंड किस मिनट हमारे ऊपर फ़ौरन से फ़ौरन
पहले तौहीन रसालत लग जाए, वो तो हम पे ऐसे ही लग जाती है ना कि बैठे बैठाए लग गए, ठीक है, कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं और लग गए बस। सिख कम्युनिटी के जो लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर को ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए कुछ किया जाए, उन पाकिस्तान के सिख कम्युनिटी को सेव करने के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ, ऐसा मतलब सिख कम्युनिटी के लीडर ने कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अजय शंकर को, क्या कहना चाहेंगे सर? लेकिन देखिए हमारे लिए कितनी ये शर्म की बात है कि रहते वो पाकिस्तान में और मदद वो मांग रहे हैं इंडिया से, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान में उनकी कोई नहीं सुनेगा, वो मरते रहेंगे, इसी तरह मरते रहेंगे, इसी तरह उनके साथ यही सब होता रहेगा, पर कोई उनकी कोई एक आवाज़ भी नहीं सुनेगा और कोई उनको परवाह भी नहीं करेगा कि मर रहे हैं, सो वॉट। यही एक मुसलमान जो है वो स्वीडन में फौत होगा, उसके साथ कुछ ऐसा होगा, हमारे सारे मुसलमान इकट्ठे खड़े हो जाएंगे कि वो वहाँ पे था, माइनॉरिटी था, किसी ने परवाह नहीं की, पर यहाँ पे रोज़मर्रा के दिन पे इतना इतना कुछ होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, अब हैं तो बर्दाश्त करो। अच्छा मैम, आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के रहने के लिए जो जगह सेफ़ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़ीरो ज़ीरो सेफ्टी है माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर। है तो बहुत ज़्यादा अफसोसकुन बात के जिस तरह मतलब कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो मतलब निज़ाम है वो जमहूरियत पे रखा गया, ठीक है, और पाकिस्तान का जो था कि सारे मज़हबों को यहाँ पर तहफ़ुज़ दिए जाएंगे, और आज जो वाक़यात पेश आते हैं उससे ये मामला जो है बहुत ज़्यादा ख़तरात में नज़र आ रहे हैं। अच्छा आपने कभी नोटिस किया हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान ख़ान, आज तक उन्होंने कभी अपनी माइनॉरिटीज़ का जिक्र नहीं किया, कभी भी नहीं, मैंने नहीं आज तक कभी सुना उनके मुंह से कि उन्होंने कभी किसी माइनॉरिटी का जिक्र किया, उन्होंने कभी किसी, जब वो अपने बोल रहे होते हैं मदीने की रियासत या जो भी बोल रहे होते हैं उसमें कभी उन्होंने एक दफ़ा भी माइनॉरिटीज़ का एक जिक्र भी किया हो कि अगर मैं मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये करूँगा तो मैं अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए भी ये करूँगा, हमारे यहाँ पर सिख क्रिश्चियन पारसी जो भी हम उनके लिए भी कुछ करूँगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब एक प्राइम मिनिस्टर ने ही कभी आपके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला तो आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हो? पेशावर में जो वाक़या पेश आया है, ठीक है, बहुत ही अफसोसकुन वाक़या है, मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा नदामत है इस चीज़ पर कि हम अपने माइनॉरिटीज़ को अपने मुल्क के नाम को इस तरह सेफ नहीं रख सके कि मतलब हम अपने सिख कम्युनिटी को मतलब सेफ रख सकें या उनको तहफ़ दे सकें उस हिसाब से जिस जो वो डिज़र्व करते थे। इंटरनेशनल लेवल पर आप इसका क्या इम्पेक्ट पड़ते हुए देख रही हैं पाकिस्तान की इमेज? एज़ पर रूटीन जलील होंगे, एज़ पर रूटीन वही हमारी जो जलालत लिखी हुई है वही जलालत होती रहेगी। वो पहले भी हमसे नफरत करते थे क्योंकि उनको पता है कि हम किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट कौम है, ठीक है, वो पहले भी हमें यही कंसिडर करेंगे यहाँ से मैक्सिमम क्या होगा, और क्रिश्चियन सिख जो हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो असाइलम लेंगी, अपनी जान बचाएंगी और इस मुल्क से भागती रहेंगी, फिर ये मुल्क भी मुसलमानों का, ये मुल्क है भी इस्लामी, सारे खुश रहे मुसलमान फिर यहाँ पर। तो दोस्तों पूरा वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी ज़्यादा सेफ है कि हिंदुस्तान में ज़्यादा सेफ है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताइए। मुझे तो लगता है पाकिस्तान जितना प्रोपेगेंडा फैलाता है अगर उतना ही ध्यान अगर अपने देश की माइनॉरिटी पे और अपने देश की मेजोरिटी पे भी कर ले और अपने देश पे ध्यान दे ले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो मेरे विचार थे और आपके विचार तो कमेंट बॉक्स में उतर जाने चाहिए भाई साहब। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि ब्लॉग चैनल कौन सा है, ब्लॉग चैनल कौन सा है, मैं अपने ब्लॉग चैनल के बारे में कभी भी नहीं बताता हूँ। तो मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है HKHR बंटी के नाम से, और आपके भाई की एडिटिंग तो आपको पता है किस लेवल की है, तो ब्लॉग भी उसी लेवल के मिलेंगे। ये पाकिस्तानी पत्रकार रिबाना इमरान का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।